हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन देखा था और बताया था कि मैंने कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आपका डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम का क्या मतलब है और एल्गोरिथम का एनालिसिस का क्या मतलब है। देन हमने भाई देखा था कि आपकी जो एनालिसिस हम करते हैं किसी एल्गोरिथम की, वो हम दो तरह से कर सकते हैं, एक से आपकी प्राइमरी एनालिसिस, एक से आपकी पोस्टर एनालिसिस। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस करेंगे तो हम बेसिकली उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करके ही उसको हम एनालाइज करेंगे। तो भाई किसी प्रोग्राम को हम एनालाइज करते कैसे हैं और कैसे हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, उससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ही बेस पे आप किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर पाओगे। तो भाई टॉपिक है आज का आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। गाइस एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात करूं तो अभी बेसिकली तीन नोटेशन है, एक है गाइस आपकी बिग ओ नोटेशन, एक है गाइस आपकी बिग ओमेगा नोटेशन और गाइस एक है आपकी थीटा नोटेशन। ये तीनों के रिप्रेजेंटेशन है कैसे हम बिग ओ को बिग ओमेगा और थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस बेसिकली ये तीन नोटेशन है जिसके बेस पे ही हम किसी भी प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनको रिप्रेजेंट करने के गाइस कुछ तरीके हैं, पहले इन तीनों को समझता हूँ, इन तीनों का क्या मतलब है, काम कैसे करते हैं एंड गाइस देन उसके बाद देखेंगे कि इन तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं आपकी बिग ओ नोटेशन। गाइस बिग ओ नोटेशन की बात करूं तो एक ग्राफ बना लेते हैं जो कि आपका एन है यहाँ पर इनपुट का साइज और टी गाइस टाइम, इनपुट साइज और टाइम के बीच में बनेगा। गाइस लेट सपोज आपका ये कोई फंक्शन एफ एन है और ये फंक्शन गाइस कोई आपका सी ओ जी एन है, ये मैंने कोई वैल्यू मांगी एन नोड। तो गाइस बेसिकली ये फंक्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका फंक्शन एफ एन है वो लेस देन और इक्वल टू होगा सी ऑफ जी एन से, कब, जब आपका एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड होगा और जहां पे सी है ये बेसिकली कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। गाइस इस ग्राफ से हमको क्लियर पता लग रहा है कि आपका एफ एन फंक्शन सी ऑफ जी एन से लेस देन इक्वल टू होगा एन नोड के बाद या फिर एन नोड पर, उसके बाद हमेशा आपका एफ एन फंक्शन लेस देन इक्वल टू है। तो भाई अगर आप किसी फंक्शन को ऐसे प्रेजेंट कर पा रहे हो कि वो एफ एन आपका लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन है तो आप लिख सकते हो एफ एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ जी एन, मतलब मैंने गिवन फंक्शन को बिगो की टर्म में लिख दिया एफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ जी एन। गाइस अभी सिंपल समझेंगे कि ये बिगो नोटेशन बिग ओमेगा और थीटा नोटेशन काम कैसे करती है, देन उसके बाद कहूंगा इन दोनों का सिग्निफिकेंस है क्या। गाइस अगर बिग ओ नोटेशन की बात करूं तो ये बेसिकली आपके फंक्शन का एक अपर बाउंड बताता है कि ये फंक्शन जी एन फंक्शन का अपर बाउंड हो गया, मतलब बिग ओ नोटेशन से रिप्रेजेंट करा तो एफ एन इक्वल टू बिगो ऑफ जी एन, मतलब एफ एन फंक्शन की जो अपर बाउंड है वो जी एन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस हमें कोई क्वेश्चन दे सकता है वो और कह देगा कि उसकी आप अपर बाउंड कैलकुलेट करनी है। जैसे मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, गाइस क्वेश्चन है लेट्स सपोज आपका एन स्क्वायर प्लस वन, अब इसने बोला कि फाइंड द अपर बाउंड ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन, तो कैसे निकालेंगे, हमें पहले इस फंक्शन को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना है। गाइस मैं इसको लिख सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू टू एन स्क्वायर जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी। भाई आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 या 1 से बड़ी, हमेशा ये वाला फंक्शन इस फंक्शन से छोटा ही आएगा। देखो जब 1 रखोगे तो वैल्यू 2, यहाँ पर भी 2 सेम आया, जब 2 रखोगे गाइस यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 5 और यहाँ पे आएगा आपकी 8, हमेशा ये वैल्यू आपकी ये फंक्शन छोटा आया। तो भाई आप क्या लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू बिगो ऑफ टू एन स्क्वायर, भाई यहाँ पर आपका एफ एन क्या था लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे लिखा मैंने एफ एन को बिगो ऑफ जी एन, तो मैंने वो तो लिखा 2n स्क्वायर। गाइस क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है तो मैं उसको हटा दूंगा, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं बिगो ऑफ n स्क्वायर। ठीक है,
तो गाइस ये बेसिकली इस फंक्शन का ये अपर बाउंड हो गया बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब समझता हूँ गाइस आपको बिग ओमेगा और थीटा रिलेशन क्या है, देन उसको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में। गाइस नेक्स्ट है आपका बिग ओमेगा नोटेशन। गाइस अगर बिग ओमेगा नोटेशन की बात करूं तो ये रिवर्स है बिग ओ नोटेशन का, मतलब लेट्स सपोज अगर फंक्शन एफ एन है तो गाइस ये इसमें हो गया सी ऑफ जी एन और गाइस ये आपका एन नोड, तो ये इसका मतलब रिवर्स हो गया। ये कंफर्म कर रहा है कि एफ एन फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा सी ऑफ जी एन से कब, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट होगी और सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। तो भाई अगर कोई फंक्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन है तो आप लिख सकते हो एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। जैसे गाइस आपका बिग ओ नोटेशन किसी फंक्शन का अपर बाउंड डिफाइन कर रहा था, ऐसे बिग ओमेगा नोटेशन किसी फंक्शन की लोअर बाउंड डिफाइन करता है। मतलब अगर आपको कोई बोलता है भाई कि फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ गिवन फंक्शन तो आपको बेसिकली उसको ओमेगा की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं गाइस, एग्जांपल है लाइक सपोज आपका 5n2, आपको इसको इसका लोअर बाउंड निकालना है। तो गाइस आप खुद देखो 5n2 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एन स्क्वायर से, कब, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। आप एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कुछ भी रख लो, हमेशा ये फंक्शन या फिर ये इक्वेशन से सेटिस्फाई करेगी। देखो जब 1 रखोगे तो वैल्यू 5, यहाँ पर 1 बड़ी है, जब 2 रखोगे 2 2 4 20 आ गए और यहाँ पे 4 रहा, तो भाई हमेशा ये चीज वैल्यू प्रूव हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5n2 इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, मतलब इस फंक्शन की लोअर बाउंड ये हो गया। तो गाइस बेसिकली अभी तक मैंने आपको सिंपल इतना सुना चाहा था कि बिग ओ नोटेशन किसी फंक्शन का अपर बाउंड रिप्रेजेंट करता है और बिग ओमेगा नोटेशन किसी भी फंक्शन का लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करता है। बिग ओ नोटेशन को हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा वाइज हम ओमेगा वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइस कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द अपर बाउंड ऑफ दिस, फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ दिस, तो आप अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द और देयर कंडीशन। बिग ओ नोटेशन की कंडीशन थी एफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन और ओमेगा की है गाइस एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। ठीक है, नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट है आपकी थीटा नोटेशन। गाइस अगर थीटा नोटेशन की बात करूं तो ये आपका दोनों कॉम्बिनेशन है, मतलब लेट सपोज ये कोई फंक्शन है एफ एन, ये है गाइस आपका सी वन जी एन और गाइस ये है आपका सी टू जी एन, ये आपका इनपुट साइज, ये आपका टाइम। तो गाइस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली सी वन जी एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टू जी एन, कब, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट होगी और c1 c2 आपके ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, तो गाइस अगर कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसको आप किसी दो फंक्शन के बीच में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो आप लिख सकते हो fn इक्वल टू थीटा ऑफ gn। ठीक, सेम गाइस जैसे हमने वहां पे एग्जांपल लिया था ऐसे हम यहां पे भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो गाइस ये तो आपका बेसिकली सिंपल तीन नोटेशन थी, बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशन। अब बात करते हैं गाइस इनका सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में। गाइस बेसिकली जब भी हम किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो हम उसके तीन केस लेके चलते हैं। एक है गाइस आपका वर्स्ट केस, एक है गाइस उसका बेस्ट केस और एक है गाइस उसका एवरेज केस। गाइस वर्स्ट केस की बात करूं तो अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो हम उसको बिग ओ नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको याद होगा बिग ओ में बताया था अपर बाउंड, मतलब गाइस मैक्सिमम लिमिट वो है, लिमिट से मतलब यहाँ पे क्या आएगी,
अगर लेट सपोज कोई एक फंक्शन है, कोई भी एक प्रोग्राम लिखता हूँ और मैंने बोला बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, मतलब भाई वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी उस प्रोग्राम की बिग ऑफ एन स्क्वायर है, मतलब एन स्क्वायर से ज्यादा नहीं चलेगा, एन स्क्वायर मैक्सिमम चलेगा ये प्रोग्राम अपने वर्स्ट केस में, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हम बेसिकली बिग ओ नोटेशन को कि अपर बाउंड फाइंड करते हैं। राइट, बेस्ट केस की बात करूं तो ये आपका बिग ओमेगा नोटेशन से प्लेयर करते हैं। बेस्ट केस बोले तो गाइस सबसे बेस्ट मतलब सबसे कम टाइम में वो चीज सॉल्व हो पा रही है, ठीक है। अगर मैं कोई फंक्शन को गाइस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर रहा हूं ओमेगा ऑफ एन से, तो माई मतलब ये इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एन से कम टाइम में गाइस वो एल्गोरिथम या फिर वो प्रोग्राम का सॉल्व नहीं हो सकता, और गाइस फर्स्ट केस का मतलब एन स्क्वायर से ज्यादा वो कभी टाइम नहीं लेगा, ठीक है। एवरेज केस गाइस, एवरेज केस को हम आपकी थीटा रोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली आपसे तीन केस है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। गाइस इसको एक एग्जांपल समझाता हूं जिसको जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस का मतलब क्या है। गाइस लेट सपोज आपका कोई एरे है जिसमें कोई भी वैल्यू पढ़े रैंडम 10 6 7 4 8 5 1, ठीक है। अब गाइस लेट सपोज मुझे इस एरे में से कोई वैल्यू सर्च करनी है, तो भाई इसका वर्स्ट केस क्या होगा। गाइस वर्स्ट केस होगा कि आपको पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है और जो एरे को सर्च करना है या तो वो सबसे लास्ट में होगा या फिर वो इस एरे में होगा ही नहीं। भाई आप एरे को वन बाई वन ट्रैवर्स कर रहे हो, तो वर्स्ट केस क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा टाइम कब लेगा वो, या तो जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वो सबसे लास्ट में हो, मतलब वो एलिमेंट वन हो, या फिर वो एलिमेंट इस एरे में हो ही ना। तो जब आप पूरे एरे को ट्रैवर्स करोगे, जब भी आपको वो चीज पता लगेगी कि जो आपको एलिमेंट सर्च करना है क्या वो आखिरी पोजीशन पे है या फिर वो उस एरे में है ही नहीं। तो भाई जब मैंने पूरा एरे ट्रैवर्स करा तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी आपकी, मैक्सिमम एन। तो भाई बेसिकली इसको बोलते हैं आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि भाई मैक्सिमम एन चला, भाई एन से ज्यादा कभी नहीं चलेगा ना। इस एरे में से कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए मैं एन से ज्यादा कभी भी ट्रैवर्स नहीं करूंगा, एन मैक्सिमम है। अगर मैं इस बेस्ट केस की बात करूं तो क्या होगा, कहीं बेस्ट केस होगा कि जो एलिमेंट सर्च करना है वो सबसे पहले इंडेक्स पे पड़ा हो। लेट्स सपोज मुझे 10 ही सर्च करना है, तो 10 आपको सबसे पहले मिल गया, आपको पूरा एरे सर्च करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो भाई बेस्ट केस हो गया इसका ओमेगा ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है, ठीक है। भाई वर्स्ट केस मतलब सबसे ज्यादा वो एल्गोरिथम या फिर वो प्रोग्राम क्या टाइम लेगा, हमें देखा भाई अगर वर्स्ट केस क्या होगा इसका कि जो एलिमेंट सर्च करना है या तो वो सबसे लास्ट में हो या फिर वो इस एरे में हो ही ना, तो उसके लिए मुझे पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो भाई एन कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्योंकि मुझे पूरा का पूरा एक लूप लगाकर ट्रैवर्स करना पड़ा। और बेस्ट केस है गाइस सबसे पहली क्वेश्चन मुझे एलिमेंट मिल गया, मुझे अपने एरे आगे ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा, तो वो हो गया जबकि 1 कॉन्स्टेंट है। गाइस जब भी हम किसी एल्गोरिथम की एंट्रीज करेंगे तो पूरी की पूरी एल्गोरिथम में मैं क्या मतलब मैं भी हमेशा वर्स्ट केस को लेके चलूंगा, और भाई यही मतलब अप्रोच भी है और यही तरीका भी है कि जब भी आप किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करेंगे तो हमेशा आपको वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है उस एल्गोरिथम की या फिर उस प्रोग्राम की, क्योंकि गाइस हमें बेस्ट केस और एवरेज केस से कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन मैक्सिमम 99% हमेशा क्वेश्चन गाइस वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही आएगा कि आपको कोई एल्गोरिथम दे दी, आपको एक प्रोग्राम दे दिया और उसकी गाइस वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। गाइस वर्स्ट केस मतलब वो एल्गोरिथम मैक्सिमम टाइम कितना चलेगी आपको वो फाइंड करना होता है। तो भाई हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे किसी एल्गोरिथम की कैसे किसी प्रोग्राम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। तो भाई आप इन तीनों नोटेशन को बहुत ध्यान से समझें। गाइस उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने काफी अच्छे से अच्छी समझने की कोशिश करी है। अगर नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। और जो इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे, गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब कंप्यूटर एग्जाम्स की बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा किसी भी पेपर में इस टॉपिक से, ठीक है। तो इतना इन सबकी प्रैक्टिस करें, समझे ध्यान से क्या मतलब है अलग अलग सेपरेट नोटेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कैसे हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। थैंक यू गाइस।